हेलो गाइस, कैसे हैं सब? खैरियत से? ठीक है दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग ऐप यूज़ करने का तरीका आपको मुकम्मल इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस ऐप का नाम है फोटो कॉलेज मेकर फोटो फ्रेम। दोस्तों बहुत ही कमाल की ऐप, आपने इसे अपने मोबाइल में ओपन कर लिया, अभी आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। दोस्तों बहुत ही कमाल की ऐप है, आप एक बार इसे ट्राई लाजमी करें। सबसे पहले कॉलेज टेक्स्ट ब्लेंड फ्रेम, ठीक है, होट फ्रेम इसमें भी आप बना सकते हैं, ठीक है, होट टेक्स्ट, ये देखिए होट टेक्स्ट, ठीक है, ब्लेंड टेम्पलेट इसमें भी आप बना सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल की ऐप है, ठीक है। ये कॉलेज है, कॉलेज पे हम क्लिक कर लेते हैं। सबसे पहले ये देखिए आप, ये आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगा, आपने इधर से कोई भी पिक्चर ऐड कर लेनी है। देखिए हम पिक्चर ऐड कर लेते हैं इधर से, ये देखिए सबसे पहले स्टाइल है, किस स्टाइल में आप बनाना चाहते हैं इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें बनाना चाहें, और आप सिंपल इस पर क्लिक कर दें, ये सेलेक्ट हो जाएगा। आउटलाइन है, आउटलाइन, ठीक है, ये देखिए ऐसे आप कॉर्नर, ये कॉर्नर है, और आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना, ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर लें, जैसे कोई भी बैकग्राउंड लगा सकते हैं, ये देखिए, और आपने सिंपल इस पर क्लिक कर देना, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इमेज है आगे, टेक्स्ट स्टिकर है, स्टिकर आप इधर से कोई भी लगा सकते हैं, और आपने इस पर क्लिक कर देना, ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये फ़िल्टर है, फ़िल्टर पे आप क्लिक कर दें, इधर से कोई भी फ़िल्टर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये देखिए कोई भी फ़िल्टर आप सेलेक्ट करते हैं कर सकते हैं। ये ड्रा, ठीक है, रेजर कलर, ठीक है, शॉप, ठीक है, इसमें आप कर सकते हैं, कोई भी लगा सकते हैं इधर से। ओके गाइस, और आपने सिंपल ये सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद है जी, ये भी फ्रेम है, फ्रेम पे क्लिक कर लेते हैं, ठीक है, फ्रेम आप इधर से कोई भी लगा सकते हैं, ये देखिए कोई भी फ्रेम आप इधर से लगा सकते हैं, ये देखिए ट्रेंडी है, पेपर है, आर्टिस्ट है, ठीक है, स्टे होम, ये देखिए कोई भी आप इधर से ये देखिए लगा सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कमाल की ऐप है, आप एक बार इसे ट्राई लाजमी से करें, आपको पसंद आएगी। ये अभी कोई भी इधर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए अभी हम पिक्चर ये एक इधर से सेलेक्ट कर लेते हैं, ये देखिए अभी आपके सामने ऐसे आ जाएगी, ठीक है। ये फ्रेम है, फ्रेम इधर से आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं इधर से, ये देखिए, और आपने सिंपल इस पर क्लिक कर दें, ये सेलेक्ट हो जाएगा। इमेज है, कलर है, कलर आपको इधर से ये देखिए कोई भी कलर में आप बना सकते हैं। टेक्स्ट है, ठीक है, अपनी पिक्चर पर लिखना चाहें कुछ लिख सकते हैं, ये स्टिकर लगा सकते हैं, ठीक है, इधर से कोई भी, ये ड्रा, ड्रा वाले ऑप्शन पे आ जाएं, ठीक है, ये कलर, शॉप, ब्रश, ठीक है। उसके बाद ये भी ब्लेंड वाले ऑप्शन पे आ जाएं, ठीक है, ये वाला देखिए कोई भी कलर आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये देखिए कोई भी साइज इधर से सेलेक्ट करना हो सेलेक्ट कर सकते हैं आप, ये देखिए जिस तरह आप ना पिक्चर अपनी बनानी हो इधर से बना सकते हैं, ये देखिए जिस तरह आप करना चाहें अपनी पिक्चर को कर सकते हैं, और आप सिंपल इस पर क्लिक करते हैं, और ये सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ये सेव हो जाएगी, ठीक है। ऐसे ही आप बैकग्राउंड इधर से चेंज कर सकते हैं, ये देखिए कोई भी बैकग्राउंड इधर से आप चेंज कर सकते हैं, ये देखिए क्रॉप है, ठीक है, ये साइज़ में आप करना चाहें जितने में वो कर सकते हैं, ब्लेंड इधर से कर सकते हैं, ठीक है, टेक्स्ट लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, स्टिकर लगाना चाहें वो इधर से लगा सकते हैं, ठीक है, फिल्टर है, इधर से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ड्रा, ठीक है, इधर से कुछ भी आप करना चाहें वो कर सकते हैं आसानी से, और आप सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें, ये सेव हो जाएगी। ओके गाइस, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।